22 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का निजी टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपकी 22 करोड़ की आबादी है, आपके कानून नाफिज़ करने वालों की तादाद 7 लाख है। 7 लाख लोग 22 करोड़ आवाम का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? प्रोग्राम एंकर ने सवाल किया कि 22 करोड़ लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं तो आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे? रहनुमा पीटीआई उमर सरफराज चीमा ने प्रोग्राम का क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। को चेयरमैन बोल, शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक, वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तर्दीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम निहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।